मिलों की सीमित मांग होने के कारण आयातित के साथ ही देसी दालों के दाम लगभग स्थिर हो गए हैं। हालांकि हाजिर बाजार में नकदी की किल्लत के कारण दाल में खुदरा के साथ ही थोक में ग्राहकी कमजोर है, जिस कारण मिल्स केवल जरूरत के हिसाब से ही खरीद कर रहे हैं। जानकारों के अनुसार घरेलू बाजार में देसी के साथ ही आयातित को मिलाकर उड़द और अरहर का स्टॉक पर्याप्त मात्रा में है, जबकि चने में स्टॉकिस्टों की बिकवाली बनी हुई है। चालू सप्ताह के अंत तक करीब 85 से 90 हजार टन आयातित मसूर आएगी। इस दिन की कीमतों में अभी बड़ी तेजी के आसार नहीं है। सूत्रों के अनुसार चालू रबी विपणन सीजन में नाफेड न्यूनतम समर्थन मूल्य से ये 5,230 रुपए प्रति क्विंटल की दर से 15,10,663 टन चना की खरीद कर चुकी है, जबकि खरीद का लक्ष्य 29 लाख टन का है। अभी तक हुई कुल खरीद में गुजरात से ये 4.7 लाख टन और महाराष्ट्र से 4.60 लाख टन के अलावा मध्य प्रदेश से 3.25 लाख चना की खरीद हुई है। अन्य राज्यों में कर्नाटक से ये 72,000 टन, आंध्र प्रदेश से 54,000 तथा राजस्थान से 75,000 टन चने की खरीद की है। व्यापारियों के अनुसार घरेलू बाजार में आयातित उड़द और अरहर का बकाया स्टॉक ज़्यादा है तथा आयात भी अभी बना रहेगा। साथ ही ऐसे में घरेलू बाजार में इनकी कीमतों में हल्का सुधार तो आ सकता है, लेकिन बड़ी तेज़ी के आसार अभी नहीं है। समर उड़द की आवक उत्पादक मंडियों में शुरू हो गई है तथा चालू महीने के अंत तक इसकी दैनिक आवक और बढ़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।